राजेंद्र से, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपुर, और मैं इस बगल के पंचायत भलवाड़ी पंचायत है वहाँ का सरपंच हूँ और डेहरी प्रखंड अध्यक्ष हूँ सरपंच संघ का। मैं पूनम देवी मुखिया, ग्राम पंचायत चकनहुआ, प्रखंड डिहरी के मैं रहने वाली हूँ। और आयांस को बचाने का जो मुहिम चल रहा है, यहाँ को लोगों को देखकर यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइट, मैं प्रगति आपके साथ। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताएं कि आयांस अपने गांव में है, अपने दादी के घर है, और यहां आने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आया है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और हर नामुमकिन को मुमकिन करने में लगातार लगे हुए हैं। और आयांस को बचाने का जो मुहिम चल रहा है, यहाँ को लोगों को देखकर यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र से, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपुर, मैं राजपुर से आया हूँ और आयांस को हम लोगों द्वारा लाइव पर देखा गया, इस पर हम लोग विचार किए और विचार करने के बाद में ये हम लोगों को लगा कि नहीं, इस तरह का जो भी मामला है क्रिएट कर रहा है, इसमें एक बच्चा का जान बचाना है, इसमें लगना चाहिए। हम लोग लगे हैं। समीर दुबे जी भी का पहला ट्वीट आया था और उस ट्वीट पर भी हम लोग गौर कर रहे थे, तब तक बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हुआ, तो इसमें हम लोग भी अपने ब्लॉक में लगे कि इसमें हम लोग अपने स्तर से भी कुछ क्राउड फंडिंग करें और आयांश के जीवन को बचाने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। बीच में कुछ लोगों के द्वारा निगेटिव खबर चलाया गया जिसका कुछ तो असर पड़ा जरूर, तो मैं उन लोगों से एक अपील करना चाहूँगा जो लोग भ्रामक खबर फैला रहे हैं, कृपया आप लोग इस तरह का कोई भी गलत संदेश नहीं दें और भ्रामक खबर नहीं फैलाएं जिससे एक बच्चे के जीवन बचाने में त्रुटि हो। अगर आप बच्चे के जीवन बचाने में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इसका बुराई भी करने की कोशिश आप लोग नहीं करें। सर, जब आप क्राउड फंडिंग कर रहे थे तब आपसे कोई सामने से कोई निगेटिव बातें की? नहीं, जिस दिन हमने 16 तारीख को हम पहला अपना अभियान चालू किए थे, एक ठेला से माइक पर बांध करके बैनर के माध्यम से हम लोग करीब करीब 10-20 अपना ग्रुप ले करके निकले थे हम लोग, लेकिन उस दिन जनता में बहुत ज़्यादा जागरूकता थी। जितना हम लोग बोल रहे थे माइक से, हम लोग बोल रहे थे और मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था इस पर क्वेश्चन उस दिन किसी ने नहीं किया, जिसको जितना हुआ चंदा देते जा रहा था लोग। लेकिन जैसे ही निगेटिव खबर आया, इसमें कुछ भ्रामक खबर आई, इस पर कुछ लोग भाई पीछे से क्वेश्चन तो जरूर करना शुरू किया, लेकिन उसको हम लोग सर्टिफाई किए हैं और हम लोग आश्वस्त कर देना चाहेंगे और हम तमाम बिहारवासियों से और देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आयांश को बचाने में भरपूर सहयोग करें और इस अभियान को हम लोग ठंडा नहीं होने दें, किसी के भ्रामक खबर पर हम लोग ध्यान नहीं दें। एक दिनकर की कविता याद आती है, दिनकर द्वारा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कदम कभी रुके नहीं, कदम कभी झुके नहीं। उस पंक्ति को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस अभियान को तेज करना है और बचाना है, आयांश को हर हाल में बचाना है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से, तमाम बिहारवासियों से और देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भ्रामक खबर में न पड़ें और आयांश के लिए जितना सहयोग हो अधिक से अधिक सहयोग करने का आप लोग काम करेंगे। साथ ही एक विडम्बना है, हमारे बिहार सरकार की विडम्बना है कि हम लोगों के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, आप 20 दिन 5 रुपया आप चंदा देते आयांश के जीवन को बचाने के लिए अपने निजी कोष से, और आप अपील करते तमाम सांसदों से, तमाम विधायकों से और बिहार के आम लोगों से। उस दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि 16 करोड़ 16 घंटा नहीं लगता और 16 करोड़ इकट्ठा हो सकता, लेकिन विडम्बना है, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने का कोई दायित्व नहीं है।
इनका कहना है कि ये बस मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप 16 करोड़ और मत दीजिए, आपसे कोई मांग भी नहीं रहा है। लेकिन आप इस देश के, इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि बस लोगों से आप खुद आकर आयांश के लिए अपील कर दे। और इनका कहना जायज भी है, आप देख सकते हैं कि जो भी डोनेशन का राशि है एक बॉक्स में पड़ा हुआ है जो ये लिए हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आप कितने दिन से लगभग ये क्राउड फंडिंग स्टार्ट। हम लोग राजपुर के जो भी लोग हैं, हम लोग 16 तारीख से इस मुहिम में लगे हैं और 16 तारीख से लेकर के अब तक जो भी हुआ है कलेक्शन, हम लोग सारे ग्रुप में लोग लेकर के आए हुए हैं। और हम लोग यह अपील भी करना चाहते हैं कि किसी भी तरह के नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। सत्य बात यही है कि अयांश जो बच्चा है वह सही में बीमार है और इसको जो है 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन का जो डॉक्टर ने बात कहा है वह सही है। और लोग जो है सभी नकारात्मक बातों को दरकिनार करते हुए सही बातों को सोचे समझे और उस पर जो है सहयोग क्राउड फंडिंग लगातार जारी रखे, जिससे हमारे बीच में जो एक बच्चा जो हंसता खेलता अभी बोल रहा है वह हमेशा इसकी हंसी और मुस्कान यूं ही लाइफ टाइम बरकरार रहे। सर अब तक आपने कितना कलेक्ट कर लिया होगा टोटल लगभग? हम लोग तो अभी तक जो है 23,200 रुपया जो है कलेक्शन किए हैं और बाकी जो है इस वक्त लगे हैं, आगे भी रहेगा। और इसमें जो है कि कुछ सिक्का वगैरह है उसका हम लोग गिनती नहीं किए हैं, सब गिनती है। हाँ टोटल जो है 23,300 है जिसको हम लोग जो है यहाँ पर इस पे रख दीजिए। आयांश को जो है हम लोग अपने राजपुर के तरफ से समर्पित कर रहे हैं और यह प्रार्थना करते हैं भगवान से और लोगों से अपील करते हैं कि इसके जीवन को बचाया जाए। सर आप ये लोगों से नहीं कहेंगे कि इस मुहिम को लोग नेगेटिविटी से भर रहे हैं और जातिगत से जोड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए इसमें जो है किसी भी तरह का जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, मतलब बीमारी से है और उसको स्वस्थ करने से है। हर एक जाति के लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है, बढ़ चढ़ कर लोग आगे आ रहे हैं और तमाम वैसे नकारात्मक लोग जो जाति और धर्म की बात को ला रहे हैं, यह जो फंडिंग हो रहा है या किसी मंदिर मस्जिद धर्म के लिए नहीं हो रहा है, यह किसी के जिंदगी को बचाने के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को मानवता को समझना चाहिए और मानवता के नाते धर्म जाति से ऊपर उठ करके इसको सहयोग करना चाहिए। सर आपने बताया कि इसमें 23,000 कुछ रुपये है, तो एक बार आप खुल के दिखाएंगे हमारे जो है बड़े भाई जो है पूर्व प्रमुख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खोल कर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोग को कोई डाउट ना हो इसलिए इन्हें ये बॉक्स खोलना पड़ रहा है और सारे प्रूफ के साथ ये देखिए 4,000 देख लीजिए। ये सारा कुछ आयांश के लिए है और लोग आयांश की मदद करने में लगातार लगे हुए हैं और अगर यही चीज लगातार चलते रहा तो हमारा आयांश जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। सर आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम समीर है और मैं इसी डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार बच्चे को बचाने के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ। कई सारे हमारे मित्र जो भी आए हुए हैं हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए लगातार ये सभी इस मुहिम में तेजी लाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं जिसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। मैम आपके लिए ये लोग यहाँ तक आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इन लोग के बारे में? मैं सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं जितने भी मेरे भैया लोग हैं सर हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार अभी आप लोगों ने सहयोग दिया है इस सहयोग को आगे भी बनाए रखिए ताकि आयांश को हम बचा सकें, क्योंकि आयांश के पास समय बहुत कम है और आयांश हमारा 11 महीने का हो गया है, इसके पास समय बहुत कम है। ये सहयोग हमें मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि भैया लोगों की तरफ से आगे भी ये सहयोग मुझे मिलेगा। डोनेशन का रफ्तार में जो कमी आ रहा था वो फिर से तेज हो गया है और इस मुहिम में लगातार कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कोशिशों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। और हमारे साथ एक और हैं जो इस मुहिम में बराबर के भागीदार हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? जी संजय सिंह और मैं इस बगल के पंचायत भलवाड़ी पंचायत है वहाँ का सरपंच हूँ और डेहरी प्रखंड अध्यक्ष हूँ सरपंच संघ का। तो सर आप आयांश के बारे में बहुत पहले से जानते थे? जी
जी पहले से जानता हूँ क्योंकि मेरा मित्र का लड़का है, और ये भी जानता हूँ कि उसकी अयांश सही है, अयांश की बीमारी जो है वो भी सही है, और उसके लिए हम लोग दरवाजे दरवाजे जाएंगे, सबसे मिलेंगे और जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। मैं पूनम देवी मुखिया ग्राम पंचायत चकन हुआ प्रखंड डिहरी के मैं रहने वाली हूँ। ये हमारे बच्चा जो है अयांश, हमारे घर का बच्चा है, इसको हम लोग काफ़ी मिलजुल कर इनको पैसा की ज़रूरत है। हम सभी को पूरा भारत देश वासियों से अपील करती हूँ, इस बच्चे को बचाना है। ये बच्चा काफ़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, हम सबको मिलकर बचाना है इनको। मैम आप कितने मतलब कितने बार मुखिया पद से जीती? मैं एक बार बनी हूँ और दूसरा बार लड़ रही हूँ चुनाव। इस बार आप चुनाव लड़ रही? जी दूसरी बार ही हो जाए। मैम आप जैसा कि मुखिया हैं तो यहाँ के आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आयांस के लिए? मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आयांस को बचाना है, इस मुहिम के जितने एकदम तेज रफ्तार से बढ़ाना है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की जो मुखिया हैं वो भी आयांश के साथ हैं और उनके पास बैठी हुई हैं और लोगों से लगातार अपील कर रही हैं। तो देखते रहें न्यूज़ लाइट, धन्यवाद।